गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज पकौड़े। चलिए शुरू करते हैं। मिक्स वेज पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं जिसमें आसानी से हम ये सब चीज़ें मिक्स कर सकें। अब इसमें डाल देते हैं, ये मैंने दो आलू इस तरह से ना लच्छे में काट लिए हैं, इनको डाल देते हैं। इनमें सब्जियों का ये ध्यान रखेंगे कि सब सब्जियां ना एक इक्वल कटी हुई हो, एक तरह नहीं तो वो पकने में प्रॉब्लम होगी। ये मैंने एक गुच्छी पालक का ले लिया लगभग 250 ग्राम, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। साथ में मैं डाल देती हूँ दो गाजर, मैंने ये भी कद्दूकस कर लिया। इससे क्या है टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरा सब्जियां हैं सब इसमें तो सेहत के लिए हेल्दी भी है। ये मैंने लगभग 100 ग्राम गोभी इस तरह से काट ली है, ये भी। दो प्याज इसको स्लाइस में काट लिया मैंने। सब सब्जियां हम बारीक बारीक इसी तरह से काटेंगे इक्वल, जैसे जिससे पकने में आसानी हो। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, तीन हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ना इस तरह से पीस लिया है मिक्सी में। इस इन दोनों चीज़ों के बिना इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर डालें अदरक और हरी मिर्च, इससे क्या है इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अजवाइन, अजवाइन जरूर डालें क्योंकि हाजमे के लिए ना अजवाइन बहुत ज़रूरी है, आधा चम्मच गरम मसाला, एक पिंच हींग या 1/4 टीस्पून और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब हम इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, इससे क्या है जो सब्जियों में हमारे पानी रहता है ना वो भी निकल जाएगा, नमक पड़ा है और सब सब्जियां, और मसाले अच्छे से ऐड भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लें सबको। अब ये हमने इसमें सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं, अब हम इनको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि इसमें जो पानी रहता है ना वेजिटेबल्स में वो पूरा निकल जाए। जबकि हम जब हम इसमें आटा वो मिलाएं अपना आटा और बेसन तो उसमें फिर पानी ना छोड़े, तो इसलिए इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं अभी। अब हमें 5 मिनट हो गए हैं और जो हमारी सब्जियों ने पानी छोड़ना था ना वो छोड़ दिया है। अब हम इसमें बेसन ऐड कर लेते हैं। ये मैंने इसमें ले लिया है 1 कटोरी के लगभग बेसन, इसको मैं अभी थोड़ा डालूंगी, पहले मिला के देख लेती हूँ। और साथ में मैं डालती हूँ इसमें 2 चम्मच चावल का आटा, इससे क्या है करारापन अच्छा होता है, जो हम बनाते हैं ना पकौड़ी उससे अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें सब्जियों के क्या है आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जैसे आजकल ठंड है तो सीजन में बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं तो उस हिसाब से डाल लेते हैं। और कभी कभी होता है हमारे पास ज़्यादा सब्जियाँ नहीं होती हैं तो हमारे पास जो सब्जी है हम उसी से भी ये पकौड़ी बना सकते हैं। और ये क्या है हमारे बच्चे जैसे पालक नहीं खाते हैं और फूल गोभी अधिकतर बच्चे नहीं खाते हैं तो इसमें उनको पता भी नहीं चलता है कि इसमें क्या क्या सब्जियां हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हमारा इसमें बेसन और चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए सब अच्छे से। अब हम इसके पकौड़े बनाने शुरू कर देते हैं। अब हमने अपनी एक कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है, अब इसमें हम अपने ये पकौड़े डाल देते हैं। और इसका जो ऑयल है ना ज़्यादा तेज भी नहीं रखना है, हमें मीडियम आँच ही रखनी है इसकी। अब हम इसमें छोटे छोटे साइज के इस तरह से पकौड़े डाल देते हैं। ये क्या है बहुत हेल्दी रहते हैं, इसमें सब सब्जियां हैं और ये बड़ों के लिए सबके लिए अच्छे रहते हैं, खाने में अच्छे भी लगते हैं चटपटे। और दूसरा क्या है आजकल ठंड का टाइम है ना तो ऐसे में तो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे साइज के, और इनको जो है एक साथ में पूरा नहीं वो करना है, फ्राई नहीं करना है इसको, हम एक बार थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे फिर हम इनको दोबारा से फ्राई करेंगे, उससे क्या है ये जो हमारे पकौड़े हैं ना और करारे बनेंगे। तो इसी तरह से हम सब पकौड़े बना लेते हैं।
अब हमारे ये जो पकौड़े हैं ये अब जितना हमें करना था मतलब हाफ फ्राई कर लिए हमने, देखिए इस तरह के। अब हम इनको निकाल के प्लेट में कर लेते हैं और इन्हें थोड़ा सा ठंडा करके तब हम इन्हें दोबारा से करेंगे। अब हमारी पकौड़ी 2 मिनट ठंडी हो गई है। अब हमने एक ये जो तेल था इसको तेज गर्म कर लिया। अब हम इसमें ये पकौड़ी दोबारा से फ्राई कर लेते हैं। इससे क्या है ये बहुत करारी हो जाएंगी, तो इसी तरह से हम इनको अब गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। और इसकी फ्लेम हमें हाई रखना है क्योंकि हमें अब अंदर से तो हमारी पक चुकी है, ऊपर से हमें गोल्डन ब्राउन करना है इनको। अब ये देखिए हमारी इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेनी है हमें सब पकौड़ी। अब हमारी ये गोल्डन ब्राउन हो गई, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हमारी मिक्स वेज पकौड़ी बनके तैयार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, सर्दियों का मौसम है, इस तरह की पकौड़ी खाने का अपना ही एक मज़ा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।